हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ये है वीडियो लेक्चर नंबर 7। इससे पहले मैंने 6 वीडियो लेक्चर अपने YouTube चैनल अकाउंट्स खजाना पर अपलोड कर दिए हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ सिक्वेंस में देखिए, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे प्रोमिस है। लेकिन आप पूरे लेक्चर देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप पाएंगे कि चैप्टर में कुछ दम ही नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आप इससे पहले के वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट्स खजाना चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, या मेरे सर के ऊपर आई बटन आपको मिलेगा, वहां पर जाकर भी इससे पहले के वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखने के बाद अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का, जो कि हमने लिया है सीए मॉड्यूल से। सीए मॉड्यूल से सर क्यों लिया है, क्योंकि देखो बीकॉम पास फर्स्ट ईयर, चाहे वो पास है या ऑनर्स है, दोनों के ही सिलेबस में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग दिया हुआ है और इसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अब बात ही आती है, लेकिन जो इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मुझे ये लग रहा था कि क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कम हो पा रही है, इस वजह से मैंने सीए मॉड्यूल का, सीए इंटरमीडिएट में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है तो वहाँ से, उनके मॉड्यूल से क्वेश्चन उठाया है। आप ये मत समझिएगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, सिंपल क्वेश्चन होगा आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये मैं आपको बोलना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं या कोई लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके यूनिवर्सिटी में, आपके सिलेबस में ये चैप्टर है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा जो फोकस है, आपको उन क्वेश्चंस को कराना है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं, ठीक है। और चाहे यूनिवर्सिटीज कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सभी जगह सेम रहते हैं, राइट। चलो चलो जी, तो ये लेक्चर नंबर 7 है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि हमने सीए मॉड्यूल से लिया है, और क्वेश्चन है ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 7। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। मैं साथ साथ यहां पर एक पेन भी यूज कर लेता हूं ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझा पाऊं। मैसर्स सुमन एंटरप्राइजेस हैज टू डिपार्टमेंट्स, ठीक है, दो डिपार्टमेंट हैं, फिनिश्ड लेदर एंड शूज डिपार्टमेंट। पहला है फिनिश्ड लेदर, पहला डिपार्टमेंट, और दूसरा है शूज डिपार्टमेंट। शूज आर मेड बाय द फर्म इट्सेल्फ, ओके, फर्म जूते खुद बना रही है, आउट ऑफ लेदर सप्लाइड बाय लेदर डिपार्टमेंट, ठीक है। जो लेदर हमारी, कौन सप्लाई कर रहा है, लेदर डिपार्टमेंट, हमारे ही डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहा है, एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। यूजुअल सेलिंग प्राइस मतलब जो फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट है वो मार्केट में भी लेदर बेचता है, तो जिस प्राइस पर वो मार्केट में लेदर बेचता है उसी प्राइस पर हमें, यानी शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। तो हमारे लिए इन्होंने क्या, हमें, हमसे रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है किस साल के लिए, 2002 एंड 3 के लिए, राइट। तो यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है डिपार्टमेंट वाइज, फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है, शूज डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है डिपार्टमेंट वाइज, फिर इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज परचेज दे दी है, फिर सेल्स दे दी डिपार्टमेंट वाइज, और इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से देखना, ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, ये पॉइंट है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा, वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का पॉइंट है, जिस कॉन्सेप्ट के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, रेंट एंड वेयर हाउसिंग है जो कि डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने दिया है, स्टॉक इन्होंने दे दिया है 31 मार्च 2003 का,
नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आइए पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर नेसेसरी कंसिडरेशन। ठीक है, पहला ये कहता है, फर्स्ट पॉइंट में कहता है द स्टॉक इन शूज डिपार्टमेंट, ओके, जो शूज डिपार्टमेंट में स्टॉक है मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ लेदर, ओके, एंड 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। ये कह रहा है कि भाई जो क्लोजिंग स्टॉक है शूज डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें 75% जो पार्ट है वो लेदर का है और 25% है अदर एक्सपेंसेस का। ठीक है, चलिए सर, इसका कहाँ पे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, इसका यूज होगा। आगे कहता है सेकंड पॉइंट में, द फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट, फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट अर्न ए ग्रोस प्रॉफिट एट द रेट 15% इन 2001 एंड 2। मतलब ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का आपको जीपी दे दिया और जीपी कितना है 15%। क्यों दिया और किस डिपार्टमेंट का है? फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट का। ठीक है, ओके, आगे थर्ड पॉइंट में, ये पॉइंट भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये भी पॉइंट हमारे काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। यहां पर पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए होल अमाउंट ₹2,08,50,000। ठीक है, तो पूरे जो बिजनेस के खर्चे हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, जिनको डिपार्टमेंट में नहीं बांटा जा सकता वो दे दिए हैं। ये जो खर्चे आते हैं ये आते हैं कंबाइंड पीएनएल के अंदर। ठीक है, कंबाइंड जो पीएनएल बनता है, कंसोलिडेटेड जो पीएनएल बनता है उसके अंदर ये ट्रांसफर किए जाते हैं डेबिट साइड पर। पहले क्या होता है, पहले बनता है डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, उसका जो नेट प्रॉफिट आया वो एक कंबाइंड पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है क्रेडिट साइड पर, फिर वो खर्चे डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं कंबाइंड पीएनएल के, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो हम डिपार्टमेंट में नहीं बांट सकते, कॉमन एक्सपेंसेस हैं, राइट, उनको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो अब हमारे एग्जाम में, नॉर्मली हमारे एग्जाम में कंबाइंड पीएनएल तो नहीं पूछा जाता, ये पॉइंट हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाता है। तो हमारे लिए जो पॉइंट्स हैं इससे ऊपर के पॉइंट्स काम आएंगे, थर्ड पॉइंट हमारे लिए काम नहीं आएगा क्योंकि हमें डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने को आता है एग्जाम में, राइट। चलो हाँ, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट हमें समझने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट हमें समझने हैं और बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने पहले ही एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है ताकि हमारा कुछ टाइम सेव हो जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो, तो उस वक्त उनका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। चलो, तो यहाँ पे हेडिंग डालिए इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, तो आ सकता है एग्जाम में, नो डाउट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमने क्या लिखा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003, और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हमने लिख दिया फिनिश्ड लेदर एंड शूज, फिनिश्ड लेदर एंड शूज। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है और उसके अकॉर्डिंग इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे बोला गया है ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2002 का ओपनिंग स्टॉक है, यानी ओपनिंग है। यहाँ पे देखो 30,20,000 फिनिश लेदर में कितना है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश लेदर में कितना है, 30,20,000 और शूज डिपार्टमेंट में है 4,30,000 उसके बाद परचेजेस नेक्स्ट आ रहा है, परचेजेस यहां पे दे रखी हैं 150,00,000 फिनिश्ड में कितनी है परचेजेस 150,00,000 और शूज डिपार्टमेंट में कितनी है जी 2,60,000। शूज डिपार्टमेंट में परचेज क्यों है, क्योंकि देखो ओनली लेदर ही तो अपने डिपार्टमेंट से लेता है ना, बाकी चीजें, बाकी रॉ मेटेरियल भी शूज बनाने में लगते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें वो अपनी कहां से लेता होगा, मार्केट से लेता होगा, तो वो वाली परचेज आ रही है, इसलिए यहां पे आपको परचेज
थोड़ी कम दिख रही है, ठीक है, क्योंकि लेदर तो वो जो मेन उसका रॉ मटेरियल है वो तो कहाँ से लेता है, अपने ही डिपार्टमेंट से लेता है, बाहर से परचेज खाली बाकी रॉ मटेरियल करता होगा। आगे सेल्स दे दी यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज, बाई सेल्स वन एटी लैख, उसके बाद यहाँ पे शूज डिपार्टमेंट की सेल भी है 45,20,000। फिर उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है किसको, शूज डिपार्टमेंट को, ठीक है, कितना 30 लाख। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बाई ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, हाँ जी, कितने रुपए, 30 लाख रुपीस। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ अगर ट्रांसफर किया जाएगा शूज डिपार्टमेंट को, तो शूज डिपार्टमेंट के लिए ये एक तरह से परचेज हो गई, तो यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे हम, इसको क्या लिख देंगे, ट्रांसफर फ्रॉम फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट, ठीक है, ताकि हमें ये पता लग जाए ये मार्केट से परचेज की हुई है और ये डिपार्टमेंट से की हुई है। तो यहां पर यहां लिख देंगे शूज डिपार्टमेंट में कितना, 30 लाख, एक के लिए सेल है तो दूसरे के लिए क्या है, परचेज, राइट। चलो उसके बाद हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की, जो कि शूज डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग में आ रहे हैं, फाइव लैख, ये तो याद होगा ना आपको, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं माल को लाने से लेके बनाने तक के कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमने यहाँ लिख दिए। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, माल को बनने के बाद के खर्चे होते हैं, इसलिए हमें उसको कहाँ रखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं यहाँ पे इस अकाउंट को बंद कर देता हूँ, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ तक हो गया, इसके बाद हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अच्छा हम बाकी एक्सपेंसेस भी लिख ही लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी 150 और 60,000, 150 और 60,000। उसके बाद इन्होंने दिया है रेंट एंड वेयर हाउसिंग 5 और 3, रेंट एंड वेयर हाउसिंग दी है 5 और 3, 5 लाख एंड 3 लाख। फिर उसके बाद स्टॉक दिया है यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 12,20,000 और 5 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,20,000 और 5 लाख। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने सारी एंटर कर ली है, इसमें आपको सिर्फ एक नई बात देखने को मिली है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाली, अभी तक और कुछ नहीं है, बस ये दो पॉइंट आपको समझाने हैं और बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं यहां पर हम जीपी कंप्यूट कर लेते हैं, ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है,
ग्रोस प्रॉफिट। काफ़ी बड़ी फिगर आ गई, एक बार दोबारा से चेक करनी पड़ेगी। 4 × 2 0 0 0 0, ठीक है, एक बार दोबारा से हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए। 180 लाख, थर्टी लाख, 12 लाख, 20,000, ठीक है, तो यही फिगर आ रही है। फिर उसके बाद इधर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 47 20,000, 47 lakh 20,000, ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया जी। ग्रोस प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। थर्टी लैख 20,000 और 150 लैख, 42 लैख ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया है, 42 लैख रुपीज़ का। ये हमने बैलेंसी फिगर कंप्यूट किया है। और यहाँ पे देख लेते हैं, 4720 माइनस 4,30,000, 260,000, 5 लाख, 5,30,000। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर गलत हो जाए तो बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपने गलत कंप्यूट कर दिया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, इसलिए एक बार दोबारा से चेक भी कर लेते हैं। 4,30,000, 260, 5 लाख, ठीक है, तो 5,30,000। तो लेदर डिपार्टमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट, वो 42 लाख का आ रहा है, और शूज़ डिपार्टमेंट में आ रहा है 5,30,000 का, ठीक है जी। चलो अब आप एक छोटी सी बात बताइए, ठीक है, अब देखो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पे बस नेट प्रॉफिट आएगा और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा डीप में सोचिएगा, ध्यान से सोचना है, ठीक है सर, बताइए। देखो ध्यान से सोचो, बिल्कुल, यहाँ पर जो शूज़ डिपार्टमेंट है, शूज़ डिपार्टमेंट तो किसी अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करता, वो सीधा मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट, ये जो प्रॉफिट है, ये तो रियलाइज्ड प्रॉफिट है, मतलब कस्टमर के हाथ में गुड्स जा चुका है, ये प्रॉफिट तो कंपनी को हो गया है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो फिनिश्ड लेदर में, फिनिश्ड लेदर में कुछ माल अपने ही डिपार्टमेंट को बेचा है, तो इस प्रॉफिट के अंदर ये जो ग्रोस प्रॉफिट आपको 42 का दिख रहा है, यहाँ पे ये जो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे 42 लाख का दिख रहा है, इसमें कुछ प्रॉफिट तो अपने ही डिपार्टमेंट से कमाया है, ठीक है। हाँ, अगर अपने डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमाया है और उस डिपार्टमेंट ने वो गुड्स आगे कस्टमर को बेच दिया, तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर अपने ही डिपार्टमेंट को भेजा था और प्रॉफिट हमने मान के बैठ गए और वो उसी डिपार्टमेंट में रखा हुआ है, तो सोच के देखो ध्यान से, कंपनी के हिसाब से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारी कंपनी से बाहर ही नहीं गया, वो तो ऐसे हो गया जैसे एक रूम से दूसरे रूम में गुड्स शिफ्ट कर दिया और उसके ऊपर प्रॉफिट मान के बैठ गए। तो आपको नहीं लगता ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो रही है ना। डिपार्टमेंट तो खुश हो गया है, लेदर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस तो अच्छी हो गई है, वो मैनेजमेंट को दिखाना चाह रहा है, लो जी मैंने प्रॉफिट कमा के दिखा दिया। लेकिन अगर ओवरऑल कंपनी के हिसाब से देखा जाए, तो उस स्टॉक पर जो कि फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट ने शूज डिपार्टमेंट को भेजा था और शूज डिपार्टमेंट के पास ही रखा हुआ है, यानी उसके क्लोजिंग स्टॉक में ही है, तो उस स्टॉक पर जो प्रॉफिट कमाया लेदर डिपार्टमेंट में, वो कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ ही नहीं, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को हम नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं और उस प्रॉफिट को हमें हटाना होता है स्टॉक रिजर्व की हेल्प से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ओके। तो नीचे दो जो दो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहे थे, वो इसी के लिए लिखे गए थे कि भाई
ये जो स्टॉक है शूज डिपार्टमेंट के पास, उसमें 75% किसका है? लेदर डिपार्टमेंट का है। दोबारा सुनो, जो शूज डिपार्टमेंट के पास स्टॉक है, ये जो स्टॉक है शूज डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक है, कौन सा स्टॉक? ये वाला। इसमें 75%, सर दूसरे कलर से हाईलाइट कर, देखो चलो मैं इससे कर देता हूँ। ये जो है ध्यान से देखो, शूज डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, ये 5 लाख का, इसमें 75% लेदर डिपार्टमेंट से आया हुआ है, जिस पे उसने प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है, कितने परसेंट कमाया है वो हम यहां से कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंप्यूट कर सकते हो? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो लेदर डिपार्टमेंट है जिस भाव पर मार्केट में बेचता है उसी भाव पर ट्रांसफर करता है शूज डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो हम यहां पर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कंप्यूट कर लेते हैं। सर कैसे कंप्यूट करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल सिंपल है। ये दोनों तो हो गई सेल, ये दोनों तो हो गई उसके लिए सेल, फिनिश्ड लेदर की ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? 2 मिनट में पता लग जाएगा। आप मुझे बताओ, फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट की ये तो हो गई सेल, ये कुछ अपने डिपार्टमेंट को बेचा और बाहर बेचा, ये तो हो गई सेल। ठीक है, और ये हो गया ग्रोस प्रॉफिट, ये हो गया ग्रोस प्रॉफिट। तो क्या हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं? जी हाँ। किसकी निकाल रहे हैं? ध्यान से सुनो, फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट की, जो डिपार्टमेंट शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, अब 2 मिनट में ये बात भी समझ में आ जाएगी, हम फिनिश्ड की ही क्यों निकाल रहे हैं। इधर देखो, तो हम यहां पे वर्किंग नोट में लिखते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। किस डिपार्टमेंट की है? फिनिश्ड, क्योंकि कमाई किसने करी है? फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट में। तो अब यहां पर मैं इस पॉइंट को दोबारा से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसी के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या है एक बार देख लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला रहता है? ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब नेट सेल्स में यहां दोनों लिया जाएगा, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट को भेज रहा है या बाहर भेज रहा है। ठीक है, यहां पे देखो 1,80,000 और यहां पे 30,000। यहां पे नेट सेल्स में यहां पे दोनों है, मार्केट में जो उन्होंने बेचा है और अपने डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, दोनों। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, 210 लाख, 210। ठीक है, अच्छा दोनों को ऐड करके ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 42 लाख, 42 लाख। तो एक बार यहाँ पे लिख दीजिए 42 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और देखते हैं कितनी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बनती है। ट्वेंटी परसेंट ठीक है, 20% ग्रोस प्रॉफिट। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कि जो लेदर डिपार्टमेंट गुड्स मार्केट में बेच रहा है या अपने ही डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, उस पर अगर 100 रुपए का है तो वो 20 रुपए मुनाफा कमा रहा है। ठीक है, लेदर डिपार्टमेंट कितना कमा रहा है? 20 रुपीज, 100 रुपीज पे कितना कमा रहा है? 100 रुपए। ओके, 20% का मतलब ये हुआ। और क्योंकि ऊपर हमने ये पढ़ाई था, जिस भाव पर वो मार्केट में देता है उसी भाव पर क्या करता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे फिनिश लेदर का ग्रोस प्रॉफिट आ गया कितना? 20%, राइट, जो इस साल उसने कमाया है। ओके, अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो शूज डिपार्टमेंट है, शूज डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5 लाख का है। 5 लाख में 75% लेदर है। अब एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा था, द स्टॉक इन शूज डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ लेदर। ठीक है, 75% लेदर का उसमें हिस्सा है और 25% अदर एक्सपेंसेस है। बात समझ में आ रही है? और सेकेंड पॉइंट तो हमारा जीपी का है, वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए अब ये पॉइंट आपको अब समझ पे आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि यहां पे
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लेदर इन शूज डिपार्टमेंट। शूज डिपार्टमेंट के अंदर लेदर का कितना क्लोजिंग स्टॉक है, हम वो कंप्यूट कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लेदर इन शूज डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो चिंता ना करो, दोबारा से समझाऊंगा। देखो यहां पे टोटल जो है वो 5 लाख का स्टॉक है शूज डिपार्टमेंट के पास, उसमें से 75% लेदर का है। थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड। एक बार मैं चेक कर लूं, 70% था या 75? हाँ जी 75 है, ठीक है। तो 3,75,000 का जो ये स्टॉक है शूज डिपार्टमेंट के पास, ये कहां से आया है? ये आया लेदर डिपार्टमेंट से, ठीक है। अच्छा, और लेदर डिपार्टमेंट ने इस पर, क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अच्छे से सुनना, ये लेदर डिपार्टमेंट के लिए सेल वैल्यू है, ये लेदर डिपार्टमेंट के सेल वैल्यू है, लेकिन शूज डिपार्टमेंट के लिए ये कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो लेदर डिपार्टमेंट ने इस पर कितने रुपए कमाए होंगे? जो भी वो बेचता है उस पर 20% कमाता है, तो इस पर कितने रुपए कमाए होंगे? 20%। तो हम यहां बोलेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है, जो प्रॉफिट कंपनी ने नहीं कमाया, सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने कमाया है लेकिन ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। तो 375 का 20% मतलब 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था किसने? लेदर डिपार्टमेंट से, 75,000 का प्रॉफिट कमाया था लेदर डिपार्टमेंट ने किस गुड्स पर, जो कि शूज डिपार्टमेंट को भेजा था और वो उसके पास ही रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता ये सिर्फ उस डिपार्टमेंट का ही प्रॉफिट हुआ, कंपनी का तो नहीं हुआ? तो उस प्रॉफिट को हमें हटाना होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो कि नोशनल प्रॉफिट है, कंपनी को कोई प्रॉफिट इससे नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कैसे हटाते हैं सर? अगर आपने ब्रांच का चैप्टर किया तो ब्रांच में अनलोडिंग करते हैं, याद आ रहा है? ब्रांच में अगर ओपनिंग स्टॉक होता है डेबिट साइड पर तो अनलोडिंग की जाती है ना, क्योंकि स्टॉक, आप सोच के देखिए स्टॉक किस पे होना चाहिए? कॉस्ट पे होना चाहिए। अगर स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो क्या करते थे? क्रेडिट साइड पर लिख देते थे, ताकि क्या हो जाए, वो कॉस्ट पर आ जाए, ओके। अच्छा, तो इसलिए यहां पर मुझे बताओ इसका इफेक्ट कहां आ रहा है? सर इसका इफेक्ट तो यहां पर आ रहा है शूज डिपार्टमेंट में, ये क्रेडिट साइड पर इफेक्ट आ रहा है, यानी शूज डिपार्टमेंट के यहां पे, सॉरी, हाँ जी, इसका प्रॉफिट किसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मुझे बताओ किसका प्रॉफिट बढ़ रहा है? यहां पे किसका प्रॉफिट बढ़ रहा है? इसका, जो ये कौन सा डिपार्टमेंट है? लेदर डिपार्टमेंट। लेदर डिपार्टमेंट के पास जो प्रॉफिट है उसमें ये जुड़ा हुआ है। तो मुझे बताओ अब क्या करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, मुझे बताओ। पहले यहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं एक बार ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, कितना? 42 लाख, ठीक है, और इसका कितना है? 5,30,000। तो ये जो 42 लाख है इसमें जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ? 75 बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जो कि कंपनी का भैया प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए क्या करो आप, यहीं पे हम यहां पे इसको कम कर देते हैं, ठीक है। हालांकि इसको क्या करते हैं, हम कंबाइंड पीएनएल में अनलोडिंग इसकी करी जाती है, लेकिन क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में क्या कर देते हैं, वो इसी के अंदर डिपार्टमेंट में जिसने कमाया उसमें से ही कम कर देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्टॉक रिजर्व। क्या लिख देंगे? स्टॉक रिजर्व, क्योंकि इस 42 लाख में वो जुड़ा हुआ है 75,000 का अमाउंट, और किस डिपार्टमेंट ने कमाया था? लेदर डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो ये अनलोडिंग हो रही है एक तरह से, प्रॉफिट का एलिमेंट हटाया जा रहा है, क्योंकि वो 42 लाख में जुड़ गया है क्रेडिट साइड पर, तो उसको हटाया जा रहा है, ओके। चलिए अब बात ये आती है सर, और इसमें क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट और दिया हुआ था, हाँ जी बिल्कुल, एक पॉइंट और दिया हुआ था। यहां पर देखो, यहां पर कहता है फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट अर्न ए ग्रोस प्रॉफिट
एट द रेट 15% इन 2001 एंड 2। ठीक है, तो यहां पर क्या है जी, यहां पर 15% प्रॉफिट कमा रहा है। यहां पर क्या कर रहा है वो, 15% प्रॉफिट कब कमा रहा है, पिछले साल उसने कमाया था 15% प्रॉफिट, यानी ओपनिंग पर कितना है 15% का। चलो एक बार मैं इसको भी समझा देता हूं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ओपनिंग स्टॉक है, यहां पर जो ओपनिंग स्टॉक है उसका भी क्या करोगे आप, फिनिश लेदर में ये जो 30,20,000 है उसकी भी आपको अनलोडिंग करनी पड़ेगी, और उसके अनलोडिंग किधर करोगे, क्रेडिट साइड पर। तो यहां पे लिखोगे स्टॉक रिजर्व, ये किसकी हो रही है, ओपनिंग की, मैं नीचे लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक की हो रही है। ओपनिंग स्टॉक में जो लेदर का पार्ट है, ठीक है, लेदर का कितना हिस्सा है, तो मैं यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं कितना है, 30,20,000 लेदर का जो कंटेंट है वो कितना है, 75% मल्टीप्लाई पिछले साल की जो जीपी रेशियो थी वो 15% थी, 15% क्वेश्चन ने दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में, 30,20,000 में से क्योंकि बाकी खर्चे भी हैं 75% उन्होंने बता रखा है, मल्टीप्लाई 15%। एक बार दोबारा, 30,20,000 का 75% मल्टीप्लाई 15%, तो यहाँ पे आगे कितना, 339,750। ये कुछ गलत सा क्यों लग रहा है मेरे को, ओहो ओहो हाँ गलत 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 कर रहा हूँ ना मैं, सॉरी, लेदर डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक थोड़ा ना लेना है, किसके ओपनिंग स्टॉक में होगा वो, शूज डिपार्टमेंट के, कितना है शूज डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक, 4,30,000। फोर लैख थर्टी थाउजेंड का 75% और मल्टीप्लाई 15%, तो 48,375। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे अब कंप्लीट हो जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हमारा नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना है। एक बार जरा मैं कंप्यूट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है शूज डिपार्टमेंट का, ये आ रहा है 1,70,000। और यहां पे देख लेते हैं 42,48,375, 375। -5,75,000 आ रहा है 35,23,375। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमने यहाँ पर अनलोडिंग करी है। अगर आपको मैं दोबारा से समझा देता हूँ, देखो दोबारा से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना, दोबारा समझ लो। हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखो, हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक इधर,
क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इधर था, आप ब्रांच थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो ब्रांच अकाउंटिंग में। ब्रांच अकाउंटिंग में हमने इसी तरह से करा है, ब्रांच अकाउंटिंग में हमने इसी तरह से करा है। ओपनिंग स्टॉक में अगर था तो उसका क्रेडिट साइड पर अनलोडिंग करिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक तो किसका है, शूज़ डिपार्टमेंट का है, लेकिन जो प्रॉफिट अर्न किया है वो प्रॉफिट अर्न किसने किया है, लेदर डिपार्टमेंट ने। इसलिए लेदर डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है, जो ग्रोस प्रॉफिट हमारा किधर आएगा, पी एंड एल में क्रेडिट साइड आएगा, उसमें वो जुड़ा हुआ है प्रॉफिट एलिमेंट 75,000, उसको हटाने के लिए हमने डेबिट किया है, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।